देखकर उनको ये असर होता है जिस तरफ देखिए एक हुस्न नजर होता है। तो मैं कैसे बताऊं, किसी और से पूछिए आप, इनसे पूछिए। लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया जिस दिल को तुमने देख लिया, दिल बना दिया। हुस्न का दरिया फजा में हर तरफ लहराए है, देखना है दिल नजर की नाव डूबी जाए है। अब मैं ये नाम भी शुरू हो जाऊं, ये नाम, इतने नाम तो मुझे नहीं आते। अल्लाह रे उनके हुस्न की मुअज्जिज़ नुमाइयां, हर रंग में वही थे जहां तक नजर गई। ये बात, ये तबस्सुम, ये नाज, ये निगाहें, आखिर तुम ही बताओ क्यों करना तुम्हें चाहे। हमारी आंखों में आओ तो हम दिखाएं तुम्हें अदा तुम्हारी, कि तुम भी कहो कि हाँ कुछ है। हमें अपने फेवरेट हीरो का नाम बता सकोगी आप, और आप किन हीरोज के साथ काम करना पसंद करोगी? मेरा फेवरेट हीरो कमला हसन है और मैं सभी के साथ काम करना पसंद करूंगी। ऐसा हुआ है कि जो जो मेरे फेवरेट हीरोज हैं, टच व्हाट आई एम वर्किंग विद ऑल ऑफ देम, मैं सब सबके साथ काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं सभी के साथ काम करना पसंद करूंगी, लेकिन अगर आप मुझे अपने फेवरेट हीरो के बारे में पूछ रहे हैं तो आई लव टू वर्क विद सनी। मेरा एक ड्रीम हीरो तो नहीं है, मेरे ड्रीम हीरोज दिलीप साहब, श्री अमिताभ बच्चन और कमल हसन है। और जहाँ काम का सवाल उठता है, मैं अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, संजय दत्त, आमिर खान, चंकी पांडे, गोविंदा, ऋषि कपूर, सबके साथ काम करना पसंद करूंगी। मेरे फेवरेट हीरो कमल हसन है और मैं सब हीरोज के साथ काम करना पसंद करूंगी, जैसे जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, मिथुन जी, न्यू कमर्स में सलमान खान, आमिर खान, आसिफ शेख, अक्षय भाटिया, अक्षय आनंद। मेरे फेवरेट हीरो संजय दत्त है और मैं उनके साथ काम करना ज्यादा पसंद करूंगी। इस प्रोफेशन में नहीं होती तो फिर आप किस प्रोफेशन में होना पसंद करती? दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला, जो पसंद किया उसी में आ गए। ये मैंने कभी सोचा नहीं, वैसे एक्ट्रेस में बनी गई। मैं एक्चुअली एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम कर रही थी, उसके पहले आई वॉन्टेड टू डू वेरियस, मुझे बहुत सारी चीजें थी जो मुझे करना था। एक महीने में मेरा आइडिया चेंज होता था। आई लव टू बिकम अ लॉयर, मैं शायद लॉ करती, मुझे कोई और प्रोफेशन तो सोचता ही नहीं, दिन रात बस यही मुझे सोचता है, बस मैं एक्ट्रेस हूँ और कुछ मैं हो सकती नहीं और होना चाहती भी नहीं। डेफिनेटली आई वुड हैव बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं फैशन डिजाइनर बनती। अगर आपको किसी बड़े बैनर में एक अच्छा रोल ऑफर किया जाता है सिर्फ इस शर्त पे कि आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, तो फिर आप वो रोल पसंद करोगी? मैंने सबसे बड़े बैनर में पहली पिक्चर की है विश्वात्मा, और उसमें मुझे एक्सपोज करना नहीं पड़ा, हालांकि रोल बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रोल था, एक्सपोज करना नहीं पड़ा, तो इसकी आगे जरूरत पड़ेगी नहीं। नहीं, शायद मैं ना करूँ वो कॉम्प्रोमाइज। तो फिर मैं उनको एक्सपोज करूँगी। स्क्रिप्ट पे और डायरेक्टर पे मैं असर है, लेकिन अगर रोल बहुत अच्छा है तो जरूर कर लूंगी। द सीन डिमांड्स, द स्टोरी डिमांड्स, आई डोंट माइंड विद इन लिमिटेशंस। एक्सपोजिंग का जहाँ तक सवाल है वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक्सपोज करने से कोई भी रोल ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। अगर रोल अच्छा है तो वो अच्छा है, उसमें कॉम्प्रोमाइज इसी हद तक हो सकता है कि मैं उसे बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकूँ। अगर आपका नाम किसी बड़े हीरो या बड़े डायरेक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो इस कॉन्ट्रोवर्सी या अफेयर को आप इग्नोर करोगी या और बढ़ावा दोगी? मैं इग्नोर कर दूंगी, ध्यान नहीं दूंगी इस तरफ, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखता, ये सब होता ही है फिल्म इंडस्ट्री में, ये सब होना ही है, ये सब हुआ नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा है, तो इसकी तरफ से ध्यान हटा दो तो ही कुछ बन सकते हो, अगर इसकी तरफ ध्यान जाएगा तो यू कांट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ऑन द कंट्री, ऐसी चीजें हैं व्हिच वन शुड जस्ट, मतलब हंस के ले लेनी चाहिए। दिस इज ऑल इन द स्ट्राइक, दिस ऑल इन द गेम। ये इंडस्ट्री, मतलब वंस आप एंटर करें इंडस्ट्री में, ऐसा है कि ये तो चीजें होती रहती है, यू नो, इट्स नॉट नेसेसरी के there's truth in it. And I think you should just keep quiet and just laugh it off. अगर लोग समझते हैं मेरा किसी के साथ कुछ है
तो फिर उन्हें पता लगेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है ये सब चीजें पढ़ के पब्लिक भी ज्यादा खुश नहीं होती। वो सोचती ये लोग काम कम करते होंगे, ये सब ज्यादा करते होंगे, तो ये बातें बड़ी ऊटपटांग सी होती। मेरा ख्याल है मैं क्लियर ही कर लूंगी। नहीं, चीज को मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी और मीडिया को कन्वे करने की कोशिश करूंगी कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। और फेयर्स की भी कॉन्ट्रोवर्सीज आई है, शायद हमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको भी। मैं दो फिल्में कर रही हूँ, कुर्बान और मीत मेरे मन के। कुर्बान में मैं सलमान के साथ हूँ और मीत मेरे मन के में प्रसन्नजीत के साथ, और दोनों के साथ मुझे लिंकअप किया गया। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे को हर हीरो के साथ लिंकअप किया जाएगा तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कि मैं क्या करूँ, मतलब आई कांट से एनीथिंग। तो दिस इज समथिंग कि सेट्स के ऊपर व्हेन आई एम टोल्ड टू रोमांस आई रोमांस, बट व्हेन इट्स पैक अप इट्स पैक अप इट्स पैक अप फॉर मी। अगर आपको पता चले कि एक अच्छा रोल हाथ से निकल रहा है तो क्या आप प्रोड्यूसर को खुद अप्रोच करोगी या इस बात का इंतजार करोगी कि प्रोड्यूसर आपको अप्रोच करें? नहीं, मैं बिल्कुल प्रोड्यूसर को जाके अप्रोच करूंगी, उनके पास पर्सनली जाकर बात करूंगी अपने रोल के लिए। मैं कभी नहीं गई, आई नेवर अप्रोच्ड एनीबॉडी। जो भी आए हैं, जो भी रोज मुझे ऑफर हुए हैं, सब सामने से आए हैं, घर बैठे बैठे हुआ है। यू नो आई कैन लिटरली से दैट कि घर बैठे बैठे आई एम इनटू दिस लाइन। नहीं, फिलहाल तो आई हैवंट बीन गोइंग टू द प्रोड्यूसर्स। आई हैव बीन दैट फॉर्चुनेट कि मुझे अपने आप कॉन्टैक्ट्स मिले, अपने आप असाइनमेंट्स मिले, मैंने की। एंड मुझे नहीं लगता मैं किसी के पास जाऊंगी अनलेस द पर्सन इज रियली यू नो एंड द रोल भी अगर बहुत अच्छा होगा तब। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसका एहतराफ करना कोई बुरी बात तो नहीं, तो मैं जरूर खुद जाके मांगूंगी रोल और कहूंगी दे दो भाई मुझे चाहिए। नहीं, मैं प्रोड्यूसर्स के पास जाती हूँ, मेरे अपने सेक्रेटरी हैं, मेरा अपना पोर्टफोलियो है, मैं उनके साथ जाके मिलती हूँ, प्रोड्यूसर से स्टोरी सुनती हूँ। अगर वो मुझे लाइक करते हैं तो स्टोरी सुनाते हैं, मैं स्टोरी सुनती हूँ, और मुझे अगर रोल अच्छा लगता है तो मैं हाँ करके। तो दिस इज जस्ट म्यूचुअल, मतलब अगर मुझे बाहर से कोई फोन आता है, कोई मेरी तस्वीर देखता है या मेरे बारे में सुनता है और मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं खुद जाके उनसे मिलती हूँ। और अगर मुझे मालूम चलता है कि कहीं पे बातचीत ऐसी चल रही है जहाँ पे वो लोग मुझे लेना चाहेंगे या मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट इट, तो आई माई सेल्फ गो। और ऐसा नहीं है कि ऑफिस टू ऑफिस आई डोंट रोम अबाउट। आगे आपका एम्बिशन क्या है? एम्बिशन टॉप पे पहुँचने का है, लेकिन अपना काम खुद करके, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर बनूंगी, कोशिश तो यही रहेगी। और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए मुझे, अपनी पोजीशन खुद बनानी है। पीपल हैव दैट एम्बिशन कि हमें हीरोइन ही बनना है, तो दे हैव दैट एम्बिशन कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंचूंगी। मैं बस आई गई हूँ एंड आई एम बेसिकली टेकिंग लाइफ एज इट कम्स एज इट गिव्स मी। मेरी फाइनल एम्बिशन लाइफ में है कि मैं हिंदुस्तान की कामयाब एक्ट्रेस बनूं। My final ambition is to become something great, you know, and show my talent, and I should not be misunderstood, and I should be able to do as much as I can.